नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो हिंदी व्याकरण की कक्षाएं चल रही हैं उसी में अब तक 5 पाठ हो चुके हैं। ये चौथा है, छठा है। तो अब तक हमने वर्णों के बारे में समझा था, फिर शब्दों के बारे में देखा था, उनके भेद देखे थे, वर्णों के भेद और शब्दों के भेद। उसके बाद से हमने तमाम चीजें देखी, जैसे कि संज्ञा समझा, सर्वनाम समझा हमने, विशेषण समझा, फिर क्रिया देखी। आज हम अव्यय के बारे में देखने वाले हैं। अव्यय के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। पहले अव्यय समझते हैं। देखिए, जब मैं शब्द पढ़ा रहा था तो आपको शब्दों का एक प्रकार बताया गया था, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। तो वास्तव में अव्यय कुछ और नहीं है, वही अविकारी शब्द है। इसको थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अविकारी शब्द और विकारी शब्दों से प्रश्न अधिक आने की संभावना होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक अलग से पाठ बना के पढ़ लेते हैं अव्यय को। अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण न बदलते हों। लिंग वचन कारक आदि के कारण न बदलने वाले शब्दों को हम अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। तो आज हम समझते हैं कि अव्यय क्या है। ये हमने परिभाषा देखी अव्यय की, अब हम ये देखेंगे कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिविजन्स और साथ ही साथ उनके जो सब डिविजन्स हैं ये भी देखेंगे। तो अव्यय इसको हम यहाँ पे बराबर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, लिंग वचन कारक आदि के कारण न बदलने वाले शब्द अव्यय होते हैं या अविकारी शब्द होते हैं। अब देखिए, अविकारी शब्द अव्यय में पहला डिवीजन है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ये चार प्रकार है अव्यय के। क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण का मतलब होता है ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को हम अलग से फिर चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का डिवीजन है और क्रिया विशेषण का सब डिवीजन है चार, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक का मतलब यह होता है कि ऐसे विशेषण शब्द जो काल के बारे में बताएं, काल की विशेषता ये बताएं कि किस काल में कोई घटना हो रही है या हुई है। जैसे कि कल गुरुवार है, अगर हम एक वाक्य लिखते हैं कल गुरुवार है, तो इसमें कल शब्द जो है ये काल के बारे में बता रहा है, समय के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार स्थानवाचक में क्या होता है, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी स्थान विशेष के बारे में बताएं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ, वहाँ, ये जो शब्द होते हैं, यहाँ रख दो, वहां से आओ, तो यहाँ और वहां जो शब्द हैं ये आते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, परिमाण बताया जा रहा है, मात्रा बताई जा रही है किसी चीज की। तो यदि मात्रा की चर्चा हो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, और जो मात्रा के बारे में बताए उसे हम बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत, कम, थोड़ा, ज्यादा, ये जो शब्द हैं ये निश्चित नहीं है। हमने ये भी देखा था पिछले वीडियोस में कि परिमाणवाचक भी दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। किसी किसी में निश्चित होता है, किसी किसी में अनिश्चित होता है मात्रा। तो यहाँ पे बहुत, कम, कुछ, ज्यादा, ये जो शब्द होते हैं परिमाणवाचक होते हैं। फिर हम बात करें रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा समझते हैं, जिससे क्रिया के होने या करने के ढंग का पता चले। ऐसे शब्द जिससे क्रिया के होने या करने का ढंग पता चलता हो उसे हम बोलते हैं रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है ढंग, रीति का मतलब होता है ढंग। तो क्रिया के होने या करने के ढंग का पता जिन शब्दों से चले उन्हें हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि एक वाक्य है, सहसा आग लग गई। सहसा का मतलब होता है अचानक। तो सहसा आग लग गई में क्रिया के होने का ढंग पता चल रहा है। ढंग क्या है, अचानक आग का लगना। अचानक आग का लगना, अचानक शब्द जो है वो आग के लगने का ढंग बता रहा है। इसलिए रीतिवाचक का उदाहरण हो गया सहसा आग लग गई, शनै शनै वो आ रहा था। तो शनै शनै जो शब्द है, शनै शनै यानी धीरे धीरे, तो ये उसके कार्य के होने के ढंग के बारे में बता रहा है, इसलिए रीतिवाचक। फिर हम अगले अव्यय पे आते हैं, संबंध बोधक अव्यय। तो संबंध बोधक अव्यय का मतलब होता है जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता हो। वाक्य में कई शब्द होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध
जिन शब्दों के द्वारा अन्य शब्दों से पता चले उन्हें हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ स्थापित हो या प्रकट हो उन्हें हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे उसके पास मत जाओ, यहां पर उसके जो शब्द है उसके पास मत जाओ में उसके बता रहा है संबंध कि किसके पास न जाना है, इसका पता चल रहा है उसके शब्द से। तो ये उसके शब्द जो है ये है संबंध बोधक अव्यय। फिर हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। तो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो अविकारी शब्द होते हैं, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले अव्यय शब्दों को, अविकारी शब्दों को हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, यदि, ये जो शब्द होते हैं, और, राम और श्याम, तो राम और श्याम को जोड़ने वाला जो शब्द है वो और है। ठीक है, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु आदि जो शब्द हैं ये सब आते हैं समुच्चय बोधक में। फिर हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मय का बोध होता है इससे, विस्मय में कई चीजें आती हैं, हर्ष, खुशी, दुख, शोक, घृणा, ये सारे के सारे जो इमोशंस हैं ये विस्मय का, विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जिनसे आश्चर्य, घृणा, दुख, शोक, हर्ष आदि का बोध होता हो उन्हें हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो जैसे एक अरे हो गया, अति सुंदर हो गया, उफ हो गया, विस्मयादि बोधक अव्ययों के बाद एक ऐसा आपको साइन मिलेगा, ऐसा एक खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और विस्मयादि बोधक अगर वाक्य होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो। हिंदी ग्रामर में इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने देखा कि अव्यय क्या होते हैं, अव्यय की परिभाषा समझी हमने, अव्यय के क्या भेद है ये हमने समझा, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। तो ये एक बताने का खास मकसद ये था कि अव्यय से संबंधित सवाल आते हैं और कई बार अव्ययों का आगे भी हिंदी ग्रामर में, अगर हम आगे कुछ पार्ट पढ़ेंगे तो उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है, अव्यय क्या है, अविकारी शब्द क्या है, इनकी जरूरत पड़ती है आगे के पाठों में, इसलिए इसको एक अलग से वीडियो बना के समझा दिया गया। नहीं तो अविकारी शब्द जहां मैंने शब्द विचार का पाठ पढ़ाया था, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां भी इसके बारे में चर्चा की गई थी, लेकिन इसको एक बार डिटेल में, विस्तार में चर्चा करना जरूरी था आगे के पाठ के लिहाज से, कि आगे के पाठ जब आपको पढ़ाया जाए तो वो आपको समझने में आसानी हो, इसके लिए इसकी जरूरत थी। तो वीडियोस अगर आपके अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, और लिंक को शेयर करते रहिए, और भी जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे से पढ़िए।